तो डंकी मूवी आज आ चुकी है और डंकी मूवी के फैंस जो है राजमंदिर सिनेमा में उपस्थित है। ये हमारे साथ भाई है, क्या नाम है आपका? नावेद। नावेद, अभी डंकी मूवी लगी, क्या लगता है कैसी रहने वाली मूवी? जैसे शाहरुख की दो लगातार ब्लॉकबस्टर दिए शाहरुख खान ने, आप जानते हैं पठान आई थी, उसके बाद डंकी, ये इस साल की मेरे हिसाब से हैट्रिक है किंग खान की। और इसके जो अपोजिट में जो सालार आई है वो सालार नहीं है, उसको हम बोलेंगे सलवार, जो ढीली है। ये शाहरुख खान के फैन है, ये सलवार, ये सालार के लिए जो है इनका नेगेटिव कमेंट है। लेकिन डंकी, राजू हिरानी भी इस मूवी के डायरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पीके बनाई है, थ्री इडियट बनाई है और संजू बनाई है, जो कि मास्टरपीस मूवी थी। और जो शाहरुख खान ने जो है अभी हाल ही में पठान, जवान और ये तीसरी मूवी है, तो दोनों ही मास्टरपीस बनाने वाले एक साथ आए, तो क्या लगता है कैसा कॉम्बिनेशन होने वाला है? ये राज कुमार ईरानी की जो स्टोरी होती है जनता को काफ़ी पसंद आती है स्टोरी इसकी, तो अब की भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये डंकी की भी काफ़ी अच्छी स्टोरी होगी और काफ़ी सालों तक लोग याद रखेंगे इस स्टोरी को। जैसे थ्री जेड को आज तक लोग भूल नहीं पाए, तो डंकी का भी एक ऐसा प्रोसेस रहेगा कि लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे डंकी की स्टोरी को, जिस तरीके से राजकुमार ईरानी ने कहा है। अब ये सालार है, सालार में जो उन्होंने प्रभास जो एक्टर है जी जी, उन्होंने भी अच्छी मूवीज बनाई है, जी जी आपने देखी होगी, जी जी अच्छा रहा। तो सालार, क्या आप सालार देखोगे डंकी के बाद? बिल्कुल सर, बिल्कुल सालार भी देखूंगा। वो सलवार है और डंकी नहीं है, डंका है। तो ये शाहरुख खान के फैन है, ये सिर्फ शाहरुख की ही बात करेंगे, तो हम सालार की उम्मीद इनसे नहीं करेंगे, हम और भी जो हमारे साथ है दर्शक उनसे मिलेंगे। मैं मूवी देखने आया हूँ, हाँ। थोड़ा मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया है फोटो लेते हुए, सर मूवी देखने आए हाँ। शाहरुख के फैन हो या रेगुलर मूवी देखते हो? नहीं, राजकुमार ईरानी के फैन है। राजकुमार ईरानी के मूवी, क्योंकि मास्टरपीस देते हैं हमेशा, लेकिन शाहरुख खान ने भी दो मास्टरपीस दिए, तो क्या लगता है आपको कॉम्बिनेशन मास्टरपीस वाला होगा? कॉमेडी की वजह से आते हैं राजकुमार ईरानी की, जैसे पीकी मूवी कॉमेडी वगैरह सब रहती है। ये जो सालार आई है, सालार को लेकर क्या लगता है, देखोगे सालार? ट्रेलर तो काफी अच्छा था उसका, मेरे को ध्यान दिया। प्रभास की मूवी है बाहुबली के, वो उनका अच्छा ही होगा प्रभास का, तो वो देखोगे आप मूवी या अभी डंकी से खुश रहोगे आप? देखेंगे, वो भी देखेंगे। तो ये हमारे साथ और भी दर्शक है, इनसे जानेंगे। ये हमारे साथ है दर्शक, आपको दिखाते हैं। मूवी देखने आए सिर्फ? शाहरुख के फैन हो या रेगुलर मूवी देखते हो? नहीं, शाहरुख के फैन तो बिल्कुल नहीं है। राजकुमार ईरानी के फैन? हाँ, राजकुमार ईरानी की वजह से देखने आए। दो तीन मास्टर पीस दिए उन्होंने, हाँ, थ्री इडियट उन्होंने बनाई थी, मुन्ना भाई में भी बनाई थी, लगरो मुन्ना भाई बनाई थी, राजकुमार ईरानी की वजह से आया हूँ मैं देखने के लिए। क्या नाम है सर आपका? अनुज शर्मा। अनुज जी, पीछे भी बहुत अच्छा क्राउड है, आप देख सकते हो, हमारे कैमरामैन को मैं कहूँगा कि पूरा क्राउड अगर दिखाए तो क्राउड भी बड़ा, जो ये डंकी का क्राउड आप देख सकते हो, आमतौर पर मूवी रिलीज होती है तो इतना क्राउड हमें देखने को नहीं मिलता है, खास तौर पर जब शाहरुख की मूवी आती है और साथ में जब राजू हिरानी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, तो कहीं ना कहीं ये भीड़ आपको देखने को मिलती है, क्योंकि राजू हिरानी पर्दे पर इमोशन उतारने के लिए जाने जाते हैं, कॉमेडी उतारने के लिए जाने जाते हैं, और साथ में शाहरुख खान अगर हो मूवी में तो मूवी का कहना ही कुछ और है। तो ये क्या नाम है आपका? नाम अनस खान। अनस भाई, मूवी देखने आए हो? जरूर। शाहरुख के फैन हो या वैसे रेगुलर मूवी देखते हो? शाहरुख खान के फैन है। और अनस, अगर शाहरुख के फैन हो ना तो एक सिग्नेचर बनता है शाहरुख का, ओ तो ये अनस शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन है, शाहरुख की सभी मूवी देखते हैं। सालार का क्या रहने वाला है? सालार जो है अभी तक तीन फ्लॉप मूवी दे चुकी है, और शाहरुख खान की जो पठान, हाँ, तीन मूवी फ्लॉप दो है, राधेश्याम साहू और आदि पुरुष, और शाहरुख खान दो ब्लॉक बूस्टर दे चुके हैं पठान और जवान, तो इस बार भी शाहरुख खान का डंकी का डंका बजने वाला है, और सालार भी अपनी जगह ठीक ठीक चलेगी, लेकिन जो इंडिया में नॉर्थ में है वो आपसे मिलते हैं मूवी के बाद, देखते हैं आपका रिएक्शन लेते हैं कैसा क्या रहने वाला रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं नीचे क्राउड है, क्राउड से भी हम लेना चाहेंगे। मूवी देखने आए मैडम? कौन, क्या लगता है शाहरुख के फैन हो या रेगुलर मूवी देखते हो? रेगुलर मूवी देखते हैं, लेकिन शाहरुख के भी फैन है मिताली। और राजू ईरानी की मूवी देखी आपने? राजू ईरानी डायरेक्टर है के, हाँ हाँ देखी हुई, तो वो इसी के डायरेक्टर है, तो आपको बहुत अच्छी लगने वाली मूवी उम्मीद करते हैं। और भी फैन हमारे साथ है, मैम मूवी देखने आए हो? हाँ जी। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, शाहरुख के फैन हो या रेगुलर मूवी देखते? नहीं नहीं, शाहरुख फैन। और राजू ईरानी का भी कॉम्बिनेशन है, तो कैसा क्या लगने वाला है आपको? अच्छी होने वाली है मूवी। और सालार भी आई है, सालार का क्या रहेगा? सालार नहीं पता। और बास बाहुबली के हीरो? नहीं नहीं, सिर्फ शाहरुख खान की मूवी देखती हूं मैं। देखिए, साउथ बेल्ट पर सालार रहने वाली, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हो गया ना, ये हो गया जी सर। तो ये हमारे पीछे राजमंदिर सिनेमा का एक फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हो बहुत ही ऐतिहासिक थिएटर है, चरस जैसी मूवी और बहुत ही धर्मेंद्र अमजद खान और उस टाइम का ये जो है थिएटर है, और काफ़ी लोग यहाँ पर देखने आते हैं। इसका एक व्यू पॉइंट इतना खूबसूरत है, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट आपको दिखाएंगे वो।
तो राज मंदिर के लिए मूवी देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। हमने आपको ऐसे दर्शक भी दिखाए जो बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर से सिर्फ मूवी देखने आए हैं, और कई लोग तो शाहरुख के फैन थे, कई राजू ईरानी के लिए मूवी देखने आए हैं। राज मंदिर सिनेमा का अपना ही एक माहौल है, और ये हमारे साथ और भी दर्शक है। भाई क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल मूवी देखने आए हो टंकी? हाँ जी। तो कैसे क्या रहने वाला है आपको? आपने ट्रेलर देखा हुआ, कैसे क्या रहेगा? फुल फाड़ देगा शाहरुख भाई। और सालार भी लगी है, सालार लगी है, मजा नहीं है प्रवास में। प्रवास में मजा नहीं है या प्रवास में सालार क्या रहने वाला है? सालार वर्सेस डंकी, डंकी 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 सालार वर्सेस डंकी डंकी शाहरुख खान डंकी 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 सालार है तो जानती नहीं हमको। तो ये सालार के फैन नहीं है, सभी डंकी के फैन है। आप देख सकते हो सारे डंकी मूवी देखने के लिए आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं डंकी मूवी का क्रेज हमारे साथ और भी दर्शक है। भाई मूवी देखने आए हो? नहीं आए, मूवी देखने नहीं आए, ये घूमने आए हैं भाई। लेकिन राज मंदिर सिनेमा का भी एक माहौल है देखने लायक है, एक हिस्टोरिकल है, तो मूवी देखो ना देखो आप थिएटर को देख के भी जा सकते हो। सर मूवी देखने आए? नहीं यार घूमने। ये भी राज मंदिर देखने आए हैं, सिनेमा का एक आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सर है, सर थोड़ा आपका समय लेना चाहेंगे, मूवी देखने आए हैं आप। तो डंकी भी है और सालार भी लगी है, तो क्या रहने वाला है? आप दोनों मूवी देखोगे या डंकी ही देखोगे? देखते हैं, एक अच्छी लगेगी तो उसके बाद दूसरी देखेंगे। सर जहाँ तक देखा है राजू ईरानी की मूवी है, राजू ईरानी की सभी मूवी में जो राजू ईरानी पर्दे पर इमोशनल उतारने में भी माहिर है और कॉमेडी में भी, तो क्या आपको क्या लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? शाहरुख और फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी कम ही करते हैं, घूमने आए हैं थोड़ा टाइम पास करने के लिए। तो अच्छा मूवी का थोड़ा कब आपको आइडिया है? हाँ जी हाँ जी। बाकी राज मंदिर सिनेमा का भी अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, बहुत अच्छा है। मैम कहाँ से आए हो? हिमाचल से आए हैं। हिमाचल से आए हो मूवी देखने के लिए या जयपुर भ्रमण के लिए आए हो? जयपुर भ्रमण के लिए, उदयपुर भी होके आए, अब जयपुर भी घूम रहे हैं। जयपुर में क्या क्या देख लिया? यहाँ देखा बिरला टेम्पल, अल्बर्ट म्यूजियम, बिरला टेम्पल और पैलेस ऑलमोस्ट हो गए सारे, और उदयपुर में बहुत चीज़ें देखी। जयपुर में अभी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे राज मंदिर भी उसमें से एक आता है ऐतिहासिक, और कई ऐसी चीज़ें जयपुर में आपको निराश नहीं जाना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है जयपुर शहर और ये जयपुर शहर की आवाम। और सर क्या नाम है आपका? सिराज। सिराज भाई मूवी देखने आए हो, डंकी डंकी और सालार भी लगी है, तो डंकी वैसे सालार में किसे चुनोगे? डंकी। डंकी वैसे सालार? डंकी वैसे सालार। डंकी डंकी वैसे सालार? डंकी सर। ये भाई तो वैसे ही शाहरुख खान के फैन हो आप? फैन हो शाहरुख खान? बहुत बड़े, बहुत डायहार्ड फैन हो वाला। कौन सा वाला? शाहरुख खान वाला, वो लविंग पोज। ये देखिए शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग बहुत ही जबरदस्त आपको दिख रही है यहाँ पर। राज मंदिर सिनेमा में अक्सर जब भी शाहरुख खान की मूवी लगती है तो बाहर मेला सा होता है, लोग ढोल के साथ आते हैं, पटाखे छुटाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, टी शर्टों पर शाहरुख खान की मूवी को छपा के आते हैं। तो शाहरुख खान का क्रेज हमेशा ही रहने वाला है, और हम ऐसे दर्शकों से भी मिलेंगे जिन्होंने मूवी देख ली है। तो वो दर्शक है जो मूवी देखने जा रहे हैं, और हम ऐसे दर्शकों से मिलेंगे जिन्होंने मूवी देख रहे हैं, उनका मूवी का रिव्यू उनसे जानेंगे। तो बने रहिए उम्मत टाइम्स के साथ। जय हिंद। तो ये वो फैन है जो मूवी देख के बाहर आ चुके हैं, देख सकते हो क्रेज मेरे पीछे किस प्रकार से डंकी का फैन है, और हर बार ये डंकी शाहरुख खान की हर मूवी देखने के लिए आते हैं, पठान हो जवान हो। लेकिन अभी तो डंकी के अंदर डबल धमाका है, राजू ईरानी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये राजू शाहरुख खान ये फैन है। मूवी देख ली क्या आपने? बहुत शानदार मूवी है, खतरनाक मूवी है। मूवी देख ली? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ही मोटिवेशन, कॉमेडी, इमोशनल, बाकी मतलब हर चीज है। थोड़ा बहुत बेस्ट पार्ट रहा मूवी का? बेस्ट पार्ट उनका जो एक कोर्ट का सीन आया था वो एकदम आपको रुला देगा। लेकिन हम अभी वायरल नहीं करेंगे, लेकिन लेकिन मूवी कैसी रहने वाली? बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जिस धरती पे जन्मे उसी धरती पे मरना है। डंकी 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 डंकी। जिसको एक्चुअल सिनेमा देखना है उसके लिए डंकी बेस्ट है, और जिसको सिर्फ मार धाड़ देखनी है उसके लिए सालार बेस्ट है। डंकी वाला सालार? डंकी सालार देखोगे? तो ये देख सकते हैं शाहरुख भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? शाहरुख देख सकते हो शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग अपने आप देखने को बनती है, और ये शाहरुख खान के फैन से स्टोरी है। इसमें क्या स्टोरी है आप देखोगे? सोलो पिक्चर है, फैमिली लाइक पिक्चर है। एनिमल वगैरह क्या फैमिली के लाइक नहीं देख सकते अपन? डंकी में आप फैमिली लाइक देख सकते हो। यूए सर्टिफिकेट मिला है उसको, और बिल्कुल सर ताली बजाने वाली पिक्चर है। मैं कहूँगा
ब्लॉकबस्टर पिक्चर जाएगी। इमोशन है भरपूर भरपूर इमोशन इमोशन से फुल है, कॉमेडी भी है, इमोशन भी है, रोमांस भी है, सब कुछ इसमें है। एक्चुअल में जो राजकुमार हिरानी का जो सिनेमा होता है आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। पिछली जो दो मूवी थी 1000 करोड़ ऊपर गई थी, आपको क्या लगता है? 1000 करोड़ ये हम किसी भी तरह का एक मार्का सेट नहीं करते, लेकिन एक्चुअल जो सिनेमा को पसंद करने वाले लोग हैं, जो एक्चुअल नॉर्थ इंडिया के जो लोग जो एक्चुअल सिनेमा को पसंद करते हैं, उनके लिए मूवी बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो ये सर हैट्रिक होएगी, फिर भी हैट्रिक होएगी सर 1000 करोड़ के साथ। ये साल शाहरुख खान के नाम होने वाला है। शाहरुख खान की लास्ट मूवी थी, 2 मूवी में 1000 करोड़ कमाए थे और तीसरी मूवी ब्लॉकबस्टर बताई जा रही, मास्टरपीस लोग बता रहे हैं, क्योंकि राजू ईरानी का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं तहलका मचाने वाला है। तो ये सभी हमारे साथ देख सकते हो शाहरुख खान के फैन है और जो हमेशा मूवी देखने आते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए उम्मत टाइम्स के साथ। बोली खा लो निकालो।